क्या डाला हेडिंग बेटा, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। याद रखें इसे एसिडिटी एंड बेसिसिटी को इक्विलिब्रियम से रिलेट मत करना, कि एसिडिटी का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन और बेसिसिटी का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ एच प्लस आयन। यहाँ पे मैं एसिडिटी और बेसिसिटी का सिंपल सा मतलब ये कहना चाहता हूँ, एसिडिटी का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिसिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आप लोग चाहें तो कहीं पर लिख लीजिएगा एसिडिटी दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर एसिड एसिड क्यों है? एनीवन भाई कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, एसिड एसिड क्यों है? अरे कोई तो बोल दो भाई, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए वो एसिड है। पक्का ना? ठीक है, और कोई और है जिसको एसिड के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो? क्योंकि वो वेरी गुड, एसिड बेस के साथ इसीलिए रिएक्ट करता है क्योंकि उसके पास एच प्लस है और बेस के पास ओ एच माइनस है। तो एसिड एसिड इसलिए है क्योंकि उसके पास एच प्लस डोनेट करने की काबिलियत है। अब दूसरा सवाल, कौन सा एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड होगा? ऑप्शन देता हूँ, एक एसिड है ए जिसकी एच प्लस की डोनेट करने की काबिलियत ज़्यादा है, एक एसिड है बी जो अपने एच प्लस को डोनेट ही नहीं करना चाहता। तो कौन सा एसिड अच्छा एसिड है? ए। क्यों? क्योंकि एसिड एसिड इसीलिए है क्योंकि वो अपना एच प्लस डोनेट कर रहा है। तो जो एसिड अपने एच प्लस को जितनी आसानी से डोनेट कर देगा वो उतना ही अच्छा एसिड है, यही तो कहलाएगा, यानी कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि एबिलिटी टू डोनेट एच प्लस आयन एसिडिटी कहलाती है, ठीक है ना? एसिडिटी दैट मीन्स एबिलिटी टू डोनेट एच प्लस आयन लिखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन चल रहा है, ये जो भी मैंने इफेक्ट्स पढ़ाए थे उस इफेक्ट का दूसरा एप्लीकेशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें सबसे पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एसिडिटी यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब सिंपल सा क्या होगा बेटा? एबिलिटी टू डोनेट एच प्लस आयन। अगर कोई आसानी से एच प्लस आयन को डोनेट कर देगा तो वो अच्छा एसिड, और अगर आसानी से एच प्लस आयन को डोनेट नहीं करेगा तो वो बुरा एसिड। सिंपल है। अब सवाल है कोई अपने एच प्लस को डोनेट ही क्यों करेगा? हमें ये पता चल गया एच प्लस डोनेट हुआ तो एसिड, नहीं हुआ तो नहीं। अब सवाल है कि कोई भी अपने एच प्लस को डोनेट क्यों करेगा, या इसको उल्टा बोल सकते हैं, कोई भी एच प्लस अपने कॉन्जुगेट बेस को छोड़कर जाना क्यों चाहेगा? ये दो बातें बोल सकता हूँ, ठीक है? एक तो कोई भी एसिड अपने H+ को डोनेट क्यों करना चाहेगा, या इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ, कोई भी H+ आयन अपने कॉन्जुगेट बेस को छोड़ के क्यों जाना चाहेगा? स्टेबल होने के लिए। इसका मतलब उसके साथ स्टेबल नहीं था। अच्छा, H+ स्टेबल कैसे होगा? उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके। अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके तो क्या ये उसका साथ छोड़ के जाएगा? नहीं। और अगर कोई अपना H+ इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो क्या वो आराम से जाना चाहेगा? दो बातें बोली मैंने। सबसे पहला, H+ इसलिए H+ किसी को छोड़ के इसलिए जा रहा है क्योंकि वो अनस्टेबल है। अब वो अनस्टेबल इसलिए क्योंकि उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी H+ को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो वो उसको छोड़ के चला जाएगा। अगर जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना मिल जाएगा तो वो छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? अब सवाल बस ये है कि आखिर कौन है ऐसा जो हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा? कौन है? मीना। कौन है? मीना। अब मीना से जाके तुम ये मत बोलना कि आपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्यों छीन लिया। मीना समझ ही नहीं पाएगी किसकी बात हो रहा है। यहाँ वाली मीना, ऑफिस वाली मीना की बात नहीं कर रहा हूँ।
मीना का मतलब कौन हुआ बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर मान लो कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की काबिलियत क्या होती है कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना। अगर इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया बेटा तो क्या इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और उसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव आया? हाँ या ना? अब ये जो डेल्टा नेगेटिव आ रहा है और ये जो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, क्या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं या उसके पास आ रहे हैं? दूर हो रहे हैं। तो क्या हाइड्रोजन उसका साथ छोड़ के जाना चाहेगा या उसके साथ रहना चाहेगा? जाना चाहेगा। क्या ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा? एसिडिक। वेरी गुड। तो मीना वाला एसिडिक होता है। तो जो भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब आप कहेंगे मीना का सिंपल सा मतलब मुझे बता दो। मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कुछ भी हो सकता है। वो सबसे बेस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। यानी कि इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमेशा कैसा हाइड्रोजन होगा? एसिडिक हाइड्रोजन होगा, हमेशा H+ रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसलिए वो साथ छोड़ के निकल लेगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब सवाल ये है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी इसी टाइम पे रिवाइज करा रहा हूँ, अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? आओ देख लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास CH4 है, एक एलिमेंट है CH4, फिर मैंने कार्बन के बाद कौन आता है बेटा? नाइट्रोजन। तो मेरे पास NH3 है, फिर है H2O और एट द एंड मेरे पास HF है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएंगे कौन सा वाला सबसे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आसानी से निकलने की कोशिश करेगा, HF वाला या कार्बन वाला? HF वाला। क्यों भैया? क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इसको कहीं ऐसे नज़र से तो नहीं देख रहे हो कि फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ है जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो भैया उसका साथ छोड़ के क्यों जाएगा बताओ? उसे तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना। अगर उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसे ऐसे लोग, ऐसे बंदे के पास जाना पड़ेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और वो कौन है? फ्लोरीन। दुनिया का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है, तो हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ के क्यों जाना चाह रहा? क्योंकि अगर इसके पास मोर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एक और ड्रॉबैक भी क्या है इसका, कि ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, और जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्या ऑक्सीजन ये काम नहीं करता? करता है। लेकिन ऑक्सीजन अगर ये काम कर रहा है तो क्या है, फ्लोरीन से कम कर रहा है या ज़्यादा? फ्लोरीन से कम कर रहा है। अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूँ कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है तो कौन बताओगे? HF ज़्यादा अच्छा एसिड है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से खींच ले रहा है जिससे हाइड्रोजन अनस्टेबल हो जा रहा है और वो आराम से निकल जा रहा है। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। गुड। अब NH, मेरे पास NH3 भी है और H2O भी। अब मुझे आप बताइए इसमें से कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है, H2O या NH3? H2O। क्यों बेटा? क्योंकि भैया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। तो आपने कहा इसमें भी यही काम होगा। अब बताओ क्या ये एसिडिक है? क्या कभी कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है? नहीं, कभी नहीं। कार्बन सबसे ज़्यादा प्यार देने वाला है हाइड्रोजन को। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हाइड्रोजन को सबसे ज़्यादा प्यार कहीं से मिलता है तो वो है कार्बन। दैट्स वाई हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो एक नई केमिस्ट्री बना देता है, पूरी की पूरी एक नई केमिस्ट्री जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हो। ये हाइड्रोजन और कार्बन की ही देन, इन दोनों का ही प्यार है जिसे आप हाइड्रोकार्बन बोलते हो। तो भाई ये जो कंपाउंड है इसमें ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, कोई कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों तरीके से टूट सकता है, चाहे हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकता है, चाहे कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, दोनों तरीके से टूट सकता है। अब सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, क्या रीजन है? ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या ड्यू टू पोलैरिटी? एक सीधा सा आंसर, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब इन दोनों के बीच में पोल का डिफरेंस,
ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसके इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो पोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। इस बात को ध्यान देना बेटा, ज़्यादातर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत बोलना। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अगले सवाल में समझ में आ जाएगा। अब अगला सवाल है मेरे पास, HF, HCl, बताना बेटा HBr और HI। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया तो काम खत्म हो जाए। बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें, HI या HF? अब इसमें सब के सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और इस टाइम पे देखोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि सब अपने इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सब खींचेंगे। इस टाइम हाइड्रोजन जिससे सबसे ज़्यादा दूरी पे रहेगा वहीं से सबसे आसानी से निकलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिड कौन होगा, HI। तो बताओ टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? टॉप टू बॉटम जाने पे हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हाइड्राइड ही एक ऐसा है जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे टॉप टू बॉटम जाओ चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ हमेशा बढ़ेगी। नोट पॉइंट ये लिखेंगे, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड ऑलवेज इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज का मतलब ये है दोनों, ऐसा नहीं कि बॉटम टू टॉप जाएं तब भी इंक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। हो गया, कोई दिक्कत है बेटा किसी को यहाँ तक? अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपके पास अल्कोहल है तो उस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे कि किस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है किस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को समझना है तो पहले एल्कोहल का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या बेटा, R, O और H। अगर आप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें यानी कि आप चाहते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूटे, यही तो चाहते हो, और जब आप इसके इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते तो आप देखोगे आर ओ माइनस बनेगा और एच प्लस बनेगा। ये अगर एसिड है तो एसिड से एच प्लस निकलने के बाद जो बनता है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये है बेटा H प्लस आयन। तो आपके पास एक कॉन्जुगेट बेस मिला RoH को तोड़ने के बाद और एक H प्लस आयन। अब आप मुझे बताओ दो चीज़ें हो सकती हैं, पहले तो ये हाइड्रोजन इसको छोड़ के क्यों जाना चाहेगा, सिंपल सा सवाल है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को छोड़ के क्यों जाना चाहेगा? पोलैरिटी की वजह से। अगर पोलैरिटी ज़्यादा तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, अगर पोलैरिटी कम तो हाइड्रोजन आसानी से निकल नहीं पाएगा इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम। और एक छोटे से सवाल से इसको समझ लेते हैं, अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास CH3OH है, मेरे पास H2O है, H2O है, CH3OH है, C2H5OH है, C3H7OH है। मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको कौन लग रहा है। तीन एलिमेंट मैंने लिख दिए, तीन कंपाउंड मैंने लिख दिए, मैं चाहता हूं कि इन तीनों कंपाउंड को बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। H2O पक्का? क्या अल्कोहल से ज़्यादा वाटर एसिडिक होता है? क्या वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है? नहीं। ये क्यों बोला बेटा आपने नहीं? हाँ हाँ बताओ, तो
बोलो, अगर आपने नहीं बोला है तो कोई तो रीजन होगा। किसकी? वाटर की एच प्लस रिमूव करने की एनर्जी कम होती है, ज़्यादा होती है, तो एसिडिक हुआ ना। तो फिर आपने नहीं क्यों बोला? मैं बताता हूँ नहीं इन्होंने क्यों बोला। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुन करके सीखते हैं, अपने आप वो दिमाग में चीज़ें बनती हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। क्वेश्चन को देखने पे लॉजिकली हम सोचने के बजाय थ्योरेटिकली सोचने लगते हैं, जो हमने कहीं सुना है, देखा है, या दिमाग अपने आप लेता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाटर एसिडिक बेसिक नहीं होता। अब बचा अल्कोहल, तो अल्कोहल तो एसिडिक होता ही होगा, ये हमारा दिमाग है। बट सही बताऊँ तो ये एक कमी है, इसको दूर करना। हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए, तभी आप नीट क्वालिफाई कर पाओगे। अब यहाँ पे जरा बताओ, अगर मैं CH3 बोलूँ तो आपने कहा कि सर ये वाला जो वाटर दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस हिसाब से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले। लेकिन यहाँ पे CH3 क्या इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, और CH3 ने इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी? अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने के बजाय पुश करेगा, हाँ या ना? तो अब क्या जितना इलेक्ट्रॉन इधर आना था वो वापस चला गया? इधर बताओ, C2H5 में क्या सेम यही प्रोसेस हो रहा है, और C3H7 में क्या सेम यही प्रोसेस हो रहा है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा पोलर आपको कौन सा दिख रहा है, H2O या C3H7? H2O सबसे ज़्यादा पोलर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन को रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, वो इच्छा अनुसार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे अगर वो इच्छा अनुसार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो कोई ना कोई कार्बन है जो उसको रोक रहा है, मत खींच बेटा, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चाहिए मैं दे रहा हूँ। लेकिन ऑक्सीजन तो आदत से मजबूर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, वो तो खींचेगा ही, बट उतना नहीं जितना यहाँ पे खींचा। सबसे ज़्यादा एसिडिक बताओ कौन हुआ? H2O, देन CH3OH, देन C2H5OH एंड देन C3H7OH। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल मैंने लिखा CH3OH, CH2 फ्लोरीन OH, CH2OH क्लोरीन जोड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक आखिरी में आयोडीन भी जोड़ देता हूँ मैं, CH2OH, और मैंने लिखा आयोडीन, इसके साथ जोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? सबसे ज़्यादा एसिड मैं ABCD लिख दूँ, मैं इसे बोल रहा हूँ A, ये है B, ये C और ये D। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बताओ। कम ऑन बेटा, बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा कौन होगा? B। क्यों, क्या सोच के बताया? वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो ऑक्सीजन की मदद कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने में, हाँ या ना? अभी तक ये पुश कर रहा था, अभी ये विड्रॉ कर रहा है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। तो जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, क्या यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी लिख दूँ? लेकिन डायरेक्टली। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। क्या कोई दिक्कत है बेटा? गुड। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक है बी, उसके बाद सी। अच्छा, बी के बाद सी क्यों आया? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, फिर आया आयोडीन यानी कि डी, और फिर आखिरी में आया ए। ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्या आसान है या टफ है ये सब? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल बहुत ही आसान है बेटा। अगला सवाल, फिर से एक सवाल। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2OH और यहाँ पे लिखा क्लोरीन, यहाँ पे पहले CH3OH लिख देता हूँ, चलो। दूसरा है CH2OH एक क्लोरीन, दूसरे में CHOH दो क्लोरीन लगाया मैंने, तीसरे में COH और तीन क्लोरीन लगा दिया। मैं चाहता हूं कि मुझे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सोच के बताओ,
सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ए, बी या सी या डी? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? डी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले तीन ग्रुप हैं और यहाँ पे सिर्फ दो ग्रुप है और यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा? दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर हो गया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब मेरे पास एक है फिनॉल और दूसरा है CH3OH। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इसमें दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। सोच के बताऊं कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि अगर आप H प्लस को हटाओगे तो जो भी माइनस चार्ज आएगा पूरे बेंजीन रिंग में मस्त घूम करके अपने आप को स्टेबल करेगा। तो क्या उस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई? और अगर ऑक्सीजन बिना हाइड्रोजन की स्टेबल है तो हाइड्रोजन को क्यों रखेगा साथ में? हाँ या ना? तो बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है? फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर इसी फिनॉल में मैं CH3 लगा दूं और इसी फिनॉल में मैं लगा दूं Cl और इसी फिनॉल में मैं एक और NH2 लगा देता हूं बेटा और इसी फिनॉल में लगा देता हूं मैं NO2 और सिर्फ फिनॉल लिखता हूं। मेरे पास ये सारी चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताएं A, B, C, D एंड E है। सोच के बताओ अगर कोई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पूरे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचेगा तो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कहाँ से करेगा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन बेचारा दुखी होगा और जिसकी वजह से उसे मजबूरन निकलना पड़ेगा। तो क्या लगता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले जितने ग्रुप हैं क्या वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जितने ग्रुप हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं? हाँ या ना? अब इस हिसाब से मुझे जल्दी से बता दीजिए इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होने वाला है। पहले सारे इफेक्ट देखते हैं। CH3 कौन सा इफेक्ट देगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट। ज़्यादातर कई कई बुकों में प्लस एम इफेक्ट भी लिखा हुआ है तो आप उसे कंसीडर करके चलेंगे। जब यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है नो बॉन्ड रेजोनेंस देन यह प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है तो आप इसे अभी कंसीडर करके चलेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस एम इफेक्ट हम इसे कंसीडर करते हैं। कई कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ है। ये कौन सा हो गया? माइनस आई। ये लोन पेयर होने के बाद भी प्लस एम इफेक्ट इसलिए नहीं शो करता क्योंकि कोई अटैकिंग रिएजेंट अभी इसके पास नहीं है। जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आता तब तक ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये बेटा लोन पेयर है तो क्या शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। इसके पास NO2 है तो ये क्या शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट। और आपके पास आखिरी में क्या है? हाइड्रोजन। तो बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ से हो रहे हैं? माइनस एम से या माइनस? माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे और प्लस वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ हो रहे हैं? माइनस एम से या माइनस आई से? माइनस एम से। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? माइनस एम। उसके बाद माइनस आई, उसके बाद एच और उसके बाद प्लस आई और उसके बाद प्लस एम। वेरी गुड। तो हमने क्या लिखा? एसिडिक स्ट्रेंथ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका बेटा? माइनस एम का, फिर माइनस आई, देन एच, देन प्लस आई और देन प्लस एम। इस हिसाब से बताओ आंसर क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए बेटा? सबसे ज़्यादा होना चाहिए माइनस एम। कौन है? डी। डी के बाद माइनस आई कौन है? बी। और उसके बाद ई एच है और उसके बाद बेटा
प्लस आई है ए और आखिरी में प्लस एम है सी। ये हो गया इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर कभी अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन किया जाए तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर दे पाओगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो बेटा ये, हाँ बोल बेटा।